हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कार्स इन्फो। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बजट सेगमेंट की सबसे फन टू ड्राइव गाड़ी, जिसमें आपको लो मेंटेनेंस, अच्छा एवरेज, साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसके चलते आपकी जो ड्राइव क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। यह है स्विफ्ट का सबसे टॉप एंड वेरियंट ZXI प्लस। हालांकि इस गाड़ी को जो है लोग हमेशा मॉडिफिकेशन लिए खरीदते हैं और इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग वेरिएंट है स्विफ्ट ZXI, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर से मॉडिफिकेशन करवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो हमेशा टॉप एंड वेरिएंट की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए अच्छे फीचर साथ में अच्छा लुक। दोस्तों, स्विफ्ट ZXI प्लस जो है वो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें आपको जो कॉस्मेटिक अपडेट्स है वो भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं, साथ ही में DRL भी इसमें ऑफर किए गए। दोस्तों, स्विफ्ट जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जिसको अगर आप दूर से देखें तो ये कहीं ना कहीं मिनी कूपर का लुक आपको देती है। स्विफ्ट ZXI प्लस एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सारे ही फीचर मिल जाते हैं। इसमें आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, साथ ही में फोग लैम्प और खासकर इसमें आपको डायमंड कट एलॉय मिलते हैं, जिसके चलते गाड़ी का ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और डुअल टोन का कॉम्बिनेशन जो किया गया है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जो कलर की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साथ ही में आप देख सकते हैं किस तरह ORM पे ग्लोसी ब्लैक की फिनिश का यूज़ किया गया है और पिलर्स पे आपको ब्लैक मैट फिनिश का यूज़ किया गया है, जिसके चलते आपको ये फील होगा कि गाड़ी को जो है ऊपर से रैप करवाया गया है और जो कलर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की है। फ्रंट का जो लुक है वो बेस वेरियंट से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चेंज है इसका फोगलैम सेटअप। फोगलैम्प यूनिट जो है वो आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती, साथ ही में फोगलैम्प हाउसिंग भी बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती। आप जो ZXI वेरिएंट में देख सकते हैं कि आपको फोगलैम्प हाउसिंग जो है वो बिल्कुल नहीं दी गई है। हेडलाइट में जो है आपको प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है, इसी में आपको हाई बीम और लो बीम इंटीग्रेट की गई है, साथ ही में टर्न इंडिकेटर और जो DRL है वो काफ़ी प्यारी लग रही है। अगर अपन गाड़ी को नाइट के समय देखेंगे, मीन्स रात में जब आप इस गाड़ी को देखते हो और इसके हेडलैम्प ऑन नहीं होते हैं, सिर्फ DRL इसके ऑन होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक जो है गाड़ी का निकल कर आता है। साथ में फोगलैम्प सेटअप जो है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी और जो प्रोजेक्टर है उसमें भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसमें LED का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। ग्रिल जो है वो काफ़ी प्यारी है यहाँ पे, और ये जो ग्रिल है ये बेस्ट टू टॉप वेरिएंट सिमिलर है। ये जो हुड है इसके नीचे आपको मिलता है सेगमेंट का सबसे अच्छा पेट्रोल इंजन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको 88 BHP की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। साथ ही में मैंने आपको एक बात बताई कि सेगमेंट का सबसे अच्छा पेट्रोल इंजन वो क्यों, क्योंकि टाटा टियागो में आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा हुंडई की ग्रैंड आइटन नियोस में आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है और साथ में उसकी इंजन नॉइज़ भी काफ़ी कम है, लेकिन उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं इससे कम है, इसीलिए ये जो है सेगमेंट का सबसे अच्छा पेट्रोल इंजन निकल कर आता है। जैसा कि ये टॉप वेरिएंट है ZXI प्लस, तो इसमें आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, जिसकी टायर साइज है 185/65R15 का। वहीं अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 14 इंच के स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं। ORM जो है वो आपको ब्लैक ग्लोसी फिनिश में दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा और इसकी जो क्वालिटी है या फिनिश जो है इसकी वो काफ़ी प्यारी है। ये जो ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ आते हैं, लॉक करने पे ORM जो है वो फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करने पे अनफोल्ड। डोर हैंडल जो है वो आपको बॉडी कलर मिलता है और इसी के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया गया है, साथ ही में फिजिकल की का की होल दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि इस गाड़ी की स्पोर्टी लुक के साथ मैच भी करता है। फ्रंट में आपको 1735 mm की विड्थ मिलती है और हाइट जो है वो आपको 1530 mm की मिलती है। ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर आपको जो है ब्लैक मैट फिनिश में मिलते हैं और जो रियर डोर हैंडल है वो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस किया गया और इसकी जो लेंथ है वो है 3845 mm। वहीं इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 163 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो वो मिलता है 2450 mm का। डुअल टोन कॉम्बिनेशन होने के कारण जो ये कॉम्बिनेशन दिया गया, इसके चलते विंडो और जो रूफ़ है उसके बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो आपको फील नहीं होगा कि ये अलग से पार्ट है, आपको लगता है कि ये जितना भी ग्लोसी ब्लैक का पार्ट है ये एक ही साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा, इसमें आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर नहीं किया गया। स्पॉयलर जो है वो भी इस गाड़ी में नहीं मिलता, लेकिन इसका जो लुक है वो स्पॉयलर की तरह ही आ रहा है। ऊपर तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर, वाइपर, डिफोगर जो आपको ऑफर किए जाते हैं। साथ में टेल गेट पे जो है आपको सुजुकी की ब्रांडिंग, साथ ही में स्विफ्ट की बैजिंग जो आपको देखने को मिलेगी। टेल लाइट्स जो है वो आपको LED स्ट्रिप के साथ मिलेगी और बीच में आपको जो है हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल मिलेगा। हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल जो है आपको टर्न इंडिकेटर और रिवर्स गियर की लाइट में देखने को मिलेगा।
बूट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। साथ ही में आप जब गाड़ी को दो बार अनलॉक करते हो तब जाके जो है बूट एक्सेस होगा, और ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। इसमें आपको मिलता है 268 लीटर का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा है। इवन जो स्पेयर टायर है वो आपको एक साइज छोटा मिलेगा। इसमें आपको स्टील रिम ऑफर किया गया है। बूट में जो आपको लैंप ऑफर किया गया है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रियर सीट जो है वो आपको 60-40 स्पीड ऑप्शन साथ मिलती है। रियर में आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं। साथ ही में रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको नीचे की तरफ दिया गया है, और रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो ऑप्शन है वो आपको बम्पर पे ही दिया गया है, और इसकी जो लाइट है वो आपको हैलोजन बल्ब में मिलेगी। जैसा कि आपको बताया ये सबसे टॉप वेरियंट है ZXI प्लस, तो इसमें आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री का ऑफर मिलता है। उसमें जो की कुछ इस प्रकार की आपको मिलेगी। साथ ही में रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको डोर हैंडल पर मिलेगा, इसको आप प्रेस करके जो है गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और गाड़ी में आप एक्सेस ले सकते हैं। इंटीरियर जो है वो आपको ऑल ब्लैक थीम में मिलेगा। साथ ही में आप देखेंगे सिल्वर फिनिश का भी जो इस्तेमाल किया गया, डोर पे जो है फैब्रिक का इस्तेमाल भी जो किया गया, जिसके चलते आपको जो सॉफ्ट कुशनिंग देखने को मिलेगी। 1 लीटर बोटल स्पेस, साथ में आपको स्टोरेज स्पेस भी दिया गया। स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से की गई, और साथ ही में ट्विटर की प्लेसमेंट भी की गई है। ड्राइवर साइड डोर ट्रिम में जो है आपको ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल, साथ में लॉक एंड अनलॉक का बटन दिया गया, रियर विंडो लॉक करने का बटन दिया गया, और साथ ही में आपको ORM भी कंट्रोल दिया गया, जिसके साथ आप जो है ORM को अंदर से फोल्ड या अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ड्राइवर साइड विंडो जो है वो आपको ऑटो अप व ऑटो डाउन फीचर के साथ मिलती है, और उसी के जस्ट पीछे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया। पुश बटन स्टार्ट जो है वो आपको राइट साइड के कॉर्नर में दिया गया, और उसी के जस्ट नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया, और उसी के जस्ट पास में हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो आपको दिया गया। एयर वेंट जो है उसकी शेप काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको ब्लैक मैट फिनिश का इस्तेमाल मिलेगा। आई थिंक इसमें अगर ग्लोसी ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल होता तो ये और भी प्यारे लगते। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, इसमें आपको टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जो आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील जो ऑफर किया जाता है, डी कट स्टेयरिंग व्हील जो है आपको इसमें मिलता है। साथ ही में स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है, लेफ्ट साइड में आपको मीडिया कंट्रोल और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है, और नीचे की तरफ जो है आपको फ़ोन के कंट्रोल दिए गए हैं। टॉगल्स जो है राइट साइड के टॉगल में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिलेंगे, इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑफर किए जाते हैं, और लेफ्ट साइड के टॉगल में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। सिर्फ ड्राइवर साइड सीट जो है वही आपको हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ मिलती है। उसके अलावा आप जो है सीट को आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हो, और साथ में सीट को जो है आगे पीछे टिल्ट भी कर सकते हो। साथ में हेडरूम जो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। दोस्तों कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसको ड्राइव करते समय आपके जो पैर है वो डैशबोर्ड में टच होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ऐसी कोई भी शिकायत जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको काफ़ी प्यारा देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेड थीम दी गई है, लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसकी टॉप स्पीड 220 शो हो रही है। राइट साइड में आपको फ्यूल गेज और लेफ्ट साइड में टेम्परेचर गेज दिया गया है। बीच में जो आपको काफ़ी अच्छी MID दी गई है, जो कि एक डिजिटल MID है। इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, साथ ही में ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, ऑडोमीटर जैसे फीचर देखने को मिलेंगे, और ऊपरी तरफ जो आपको टेम्परेचर गेज जो यहाँ पे आपको दिया गया, जिसके चलते आउटसाइड टेम्परेचर जो आप देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शो हो रहा है। साथ ही में ऊपरी तरफ आपको हैंडब्रेक की लाइट और अदर वार्निंग लाइट जो है वो आपको ऊपरी तरफ शो होगी। सेंटर कंसोल में आपको एयर वेंट जो है वो राउंड शेप में दिए गए हैं, और इसके सराउंड डार्क क्रोम की फिनिश दी गई है। बीच में जो आपको हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया, उसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है 8 इंचेस का टच डिस्प्ले, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ, FM जैसे फीचर, साथ में USB और OX के फीचर भी ये सपोर्ट करता है। उसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, मींस ऑटो AC। इसका जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है, और इसका जो ऑपरेट करने का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। और उसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और उसी के साइड में आपको USB और OX का ऑप्शन दिया गया है। नीचे जो आपको मोबाइल रखने के लिए स्पेस दिया गया, और उसी के जस्ट पीछे आपको 2 कप होल्डर दिए गए। इवन ये जो कप होल्डर है ये अर्टिका में एयर वेंट के साथ आते हैं, लेकिन जैसा कि ये छोटी गाड़ी है इसमें आपको एयर वेंट ज़्यादा देने के कारण इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, इसके चलते आपको यहाँ पे एयर वेंट नहीं दिए गए। उसी के जस्ट पीछे आपको 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स, इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन है, और रिवर्स कैमरा जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो है आपको स्टेयरिंग के साथ लाइन घूमती हुई नज़र नहीं आएगी। उसी के जस्ट पीछे आपको मैनुअल हैंडब्रेक दिया गया, और सेंटर में आप देखेंगे कि जो सिल्वर फिनिश है ये सेंटर से लेकर लेफ्ट साइड तक कंटिन्यू की गई है, जो कि एक डार्क सिल्वर फिनिश में मिलती है, लेकिन जो एयर वेंट है उसमें आपको किसी भी प्रकार की फिनिश नहीं दी गई है। एयरबैग की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ मिलती है, ग्लोव बॉक्स जो है
उसकी साइज़ अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा सबसे अच्छी है या सबसे ख़राब है, काफ़ी अच्छा स्टोरेज जो आप इसमें कैरी कर सकते हैं। डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है, और उसका सबसे प्लस पॉइंट है इसका 8 इंच का टच डिस्प्ले, और उसी के जस्ट नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, ये सब कुछ ऐसे फीचर है जो कि एड ऑन होकर के डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर देते हैं। IRVM जो है वो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, और इसमें आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। केबिन लाइट जो है वो आपको हेलोजन बल्ब में मिलती है, और पूरी गाड़ी में सिर्फ आपको एक ही केबिन लाइट मिलती है। उसी के जस्ट पास में आपको माइक की प्लेसमेंट मिलेगी। को पैसेंजर सन वाइजर जो है उसमें आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। ड्राइवर सन वाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया जाता है, और जो सीट की कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसको इम्प्रूव करते हैं इसकी ग्रिप, इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है, साथ में फैब्रिक क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रियर सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, साथ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किया जाता है, जिसके चलते जो सीट का कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं रियर सीट में और एक्सप्लोर करते हैं रियर कंफर्ट। रियर सीट कंफर्ट जो है वो अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन जो रियर सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और पीछे की तरफ आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। मिडिल पैसेंजर के लिए आपको जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, और किसी भी प्रकार का हेडरेस्ट जो आपको इसमें ऑफर नहीं किया गया, साथ ही में आपको जो है रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट भी जो है ऑफर नहीं किया गया, सिर्फ बीच में जो आपको 1 लीटर बॉटल स्पेस ऑफ किया गया, और फ्रंट की जो सीट है वो मेरे ड्राइविंग प्लेजर के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, उसके चलते लेग रूम जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, और साथ ही में हेड रूम आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिल रहा है, और जो सीट बेल्ट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, साथ में सीट बेल्ट जो पोजीशन है वो थोड़ी पीछे की तरफ है, जिसके चलते आप सीट बेल्ट यूज़ करना चाहें तो आपको थोड़ा सा हाथ पीछे की तरफ ले जाना होगा, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट जो है वो रियर पैसेंजर्स के लिए नहीं दिया गया है, ना ही बूट में दिया गया है और ना ही मिडल में दिया गया, और ग्रैब हैंडल जो है वो आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मिलता है, और रियर डोर ट्रिम में जो है आपको सिर्फ पावर विंडो का स्विच दिया गया जो कि एलिमिनेटेड नहीं है, उसके अलावा 1 लीटर बॉटल स्पेस और स्पीकर की प्लेसमेंट जो इसमें की गई है, साथ में जो डोर ओपनिंग लीवर है वो आपको चारों ही डोर में क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। दोस्तों जैसा कि हम हर वीडियो में नोटिस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं उस बात को, हमने लास्ट हमारी ब्रेजा वाली वीडियो में आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मारुति के जो रियर डिफोगर वायरिंग पॉइंट है वो ईजिली एक्सेसिबल है, जिसके चलते सामान रखते समय जो है वो वायर डैमेज हो सकता है, और हमें स्विफ्ट में भी वो वायरिंग जो है दिखाई दी जो कि इजीली एक्सेसिबल है, जिसके चलते सामान रखते हुए वो वायरिंग डैमेज हो सकती है, साथ में कोई बच्चा भी उस वायरिंग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो प्लीज़ मारुति इस चीज़ को आप थोड़ा कवर कीजिए। तो दोस्तों ये था स्विफ्ट ZXI प्लस के लिए रिव्यू, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों स्विफ्ट में आपको मिलते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर, साथ में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि एवरेज देता है 22 से 23 की, और साथ ही में आपको मिलता है 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जिसके चलते गाड़ी की जो ऑल ओवर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और ये जो गाड़ी है ये एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे ऑफर की जाती है, जिसके चलते आपको काफ़ी अच्छा लुक, काफ़ी अच्छी स्पोर्टीनेस लुक जो आपको प्रोवाइड होती है, और इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8,34,000 रुपये। स्विफ्ट में आपको टोटल 10 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको डुअल टोन वेरियंट जो है इंक्लूड है, और साथ ही में ये गाड़ी छोटी होने के कारण मार्केट के लिए सबसे अच्छी गाड़ी है, आप इसको ट्राफिक में आराम से चला सकते हो, और इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप अगर स्विफ्ट को कुछ साल यूज़ करके वापस रीसेल करोगे तो काफ़ी अच्छी रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिटी के लिए गाड़ी देख रहे हो जो कि अच्छा एवरेज निकाले, साथ ही में उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। सेफ्टी में आपको डुअल एयरबैग, ABS विथ EBD, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर आपको मिलते हैं, साथ ही में हिल होल असिस्ट जो है वो आपको MT वर्जन में मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आपको सेफ्टी फीचर इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं, इसके अदर सेफ्टी फीचर जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, और अगर आपको अदर कोई भी डिटेल लेनी हो तो आप TR साहनी मोटर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिनकी डिटेल आपको नीचे फ्लैश हो रही है, और अगर आप CARSINFO के रेफरेंस से आते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिगार्ड जो है मिलेगा, साथ ही में TR साहनी मोटर्स का जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है, साथ ही में फ्रेंडली स्टाफ जो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा स्विफ्ट ZXI प्लस वेरिएंट के लिए रिव्यू, अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।